हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि गूगल मीट कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। सो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएँ और फिर उसके सर्च बार पे टाइप करें गूगल मीट। ओके, यहाँ मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ दिखा देगा, बट अगर आपका नया है फ़ोन और आपने कभी नहीं सर्च किया है तो उसे यहाँ पे टाइप करें गूगल मीट। तो ये सिंबल आपको दिख जाएगा, आई होप ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा होगा। ओके, सो इस वाले पे ही हमें क्लिक करना है और फिर ये गूगल मीट का पेज, डाउनलोड पेज खुल जाएगा। और इस पे दो ऑप्शन होंगे, एक होगा इंस्टॉल, एक होगा अनइंस्टॉल। बट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे में सिर्फ अपडेट का आ रहा है, जो बस मुझे अपडेट करना है। अगर आपने से इंस्टॉल नहीं किया है तो इस यहाँ पे इसी जगह पर आपका अपडेट की जगह इंस्टॉल होगा और उस पर क्लिक करें और वो इंस्टॉल हो जाएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टोरेज का। अगर आपका स्टोरेज फुल है इंटरनल तो शायद आपको डाउनलोड करने में दिक्कतें होंगी, तो आप पहले आपका मेमोरी, इंटरनल मेमोरी खासकर उसे क्लियर कर लें ताकि डाउनलोड हो पाए। ओके, फिर डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, फिर डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल मीट यहाँ ऐसा उस ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल मीट ऐप खुल जाएगा। और फिर साइन इन हैज स्मार्ट राज, ये मेरा ईमेल है तो ये इस तरह से दिखाएगा। और शायद हो सकता है कि ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस शायद अपडेट करने के बाद पूरा चेंज हो जाए, बट पहले ये इंटरफेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ऐसा ही दिखेगा सब जगह, न्यू मीटिंग, मीटिंग कोड। ओके, सो जो टीचर्स हैं उनके लिए ये मीटिंग, न्यू मीटिंग वो करेंगे, या फिर हो सकते हैं कि अगर विद उनके पास कोड, अगर वो एक ही कोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने टीचिंग के लिए, अपने मीटिंग के लिए, गूगल मीट के लिए, तो वो ये भी कर सकते हैं। बट अगर वो ज़्यादा उनको आसान लगता है कि इससे कर सकते हैं, तो जो आसान लगता है वे उनका उन फीचर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से जितने ऐसे कर सकते कि यहाँ दो तीन अकाउंट, यहाँ आप दो तीन अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जुड़ने के लिए। और फिर ये है माइक्रोफोन का, और ये है माइक्रोफोन, और ये है वीडियो। ओके, सो सपोज़ दैट अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की आवाज़ ना आए ताकि क्लास में वो डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि अगर माइक्रोफोन ऑन रहेगा तो वो ज़्यादा ऐसा होगा कि वो उनसे, उनके बातों से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बातें चलते रहती हैं, क्योंकि वो घर में ही होंगे तो घर में बहुत कम चांस है, जहाँ पर ऐसा होगा कि बच्चे के आजू बाजू कोई ना हो या बहुत कम लोग हों। सो उन्हें ये दबाकर उन्हें कह दीजिए कि माइक्रोफोन ऑफ करना है। वो अगर वीडियो भी ऑफ करना चाहते हैं तो जैसे ये मेरा रूफ दिख रहा है तो इसे बंद कर देंगे, तो फिर ये भी कुछ किसी को आपका चेहरा नहीं दिखेगा। ओके, ये इस तरह से। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं फिर न्यू मीटिंग की तरफ। ये न्यू मीटिंग पे क्लिक किए, ध्यान दीजिए खासकर टीचर्स के लिए है, और ये इस तरह से आ गया। शेयर दिस टू इनवाइट अदर्स, है ना, ये से आपको इस लिंक को आपको शेयर करना है। ओके, फिर इस पे शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे, इस तरह से जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे फिर ये ऑप्शन आएंगे कि किस में शेयर करना है आपको, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इसको पीडीएफ कन्वर्ट करना है, क्या करना है। तो हमें व्हाट्सएप पे क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद आप यहाँ चले जाएंगे आपके व्हाट्सएप में, और जिस ग्रुप में आपको भेजना है आप उस पर भेज दें।
ओके और फिर जिसे व्हाट्सएप में किसी का लिंक आता है तो डायरेक्ट गूगल मीट में जाकर भी यहाँ गूगल मीट में यहाँ इस जगह पर ये मीटिंग कोड पर क्लिक करें और फिर ये मीटिंग कोड पे यहाँ आपसे कोड पूछा जाएगा। तो जैसे इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड, ये इसे कोड कहते हैं ये। ओके सो ये PIB हो गया, ये PIB-GBNT-TTP, ये गूगल का मीटिंग कोड हो गया, जिनके तरफ जो जो कोई भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे उन स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि आपको मीटिंग कोड पे क्लिक करना है और उस पर ये जो भी कोड था PIB फिर डैश और जो कुछ भी था वो कोड को आपको एंटर कर देना है और फिर उस पर ज्वाइन मीटिंग आप क्लिक करेंगे। सो नो सच मीटिंग इसलिए दिखा रहे क्योंकि मैंने ना ही कोड पूरा डाला है ना ही मीटिंग अभी। ओके सो इसलिए तो जब लेकिन जब आप कोड सारा एंटर कर लोगे ज्वाइन मीटिंग करेंगे तो फिर वो फिर उनके यहाँ आपका रिक्वेस्ट चला जाता है। ओके और फिर उसके बाद सामने वाले के पास सॉरी नॉट सामने वाले मतलब जिनके तरफ से आपको ये कोड आया है जो भी टीचर होंगे उनको आप जब यहाँ मीटिंग कोड लिखकर जब उनको आप सेंड करते हैं तो फिर उसके बाद वे जब देखेंगे उनके यहाँ आया हुआ है रिक्वेस्ट आपका तो फिर वो आपको उनके पास भी दो ही ऑप्शन होगा, या तो इस तरह से रहता है उनका, या तो एक में रहेगा डिनाई एंट्री, इस साइड में रहेगा डिनाई एंट्री यानी कि आपको एंट्री नहीं होने देना है, या फिर एक में रहेगा इधर एडमिट। सो ये एडमिट पे भी क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप सभी से जुड़ सकते हैं जो भी वहाँ और भी बच्चे होंगे टीचर्स होंगे। ओके सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसे यूज़ करना है। थैंक यू।